ऐसे है, ये एक्चुअली पंजाब से जो लोग आए थे उनके लिए हमने लंगर यहाँ पर चालू किया था। मेरे 3 फ्लैट थे, 1 फ्लैट मैंने सेल आउट किया है और उस फ्लैट से ही लंगर चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि जब हमारे को आज जो है इन बहनों के साथ खड़े होने का मौका मिला है, तो हम इस मौके को ना चुके। हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, अपना 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 जो भी हम दे सकते हैं, जो कोई चावल देना चाहे, राशन देना चाहे, वो दे सकता है यहाँ पर। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੀ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਐਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਦਾ, ਇਹ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ऐसी है, ये एक्चुअली पंजाब से जो लोग आए थे उनके लिए हमने लंगर यहाँ पर चालू किया था और कुछ सामान उस दिन बच गया था। आज लगभग 20 दिन हो गए इस बात को, 20 दिन से लंगर ये लगातार चल रहा है, तो वो तब से लंगर चलता ही जा रहा है। पर्पज़ कुछ भी नहीं था, पंजाब से जो लोग आए थे उनके लिए लंगर लगाया था, लेकिन जो हमारी लंगर की परंपरा, एक बार लंगर चालू हो जाए तो हम उसको बंद नहीं करते हैं। लगभग 537 सालों से लंगर चलता आ रहा है, उसी रूटीन से लंगर यहाँ पे भी चल रहा है। और एक चीज़ और जो मैं बिल्कुल पहला जो शुरुआती सवाल होता है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो तो बार बार आरोप जिस तरीके से लगती है शाहीन बाग पर कि फंड कहाँ से आता है, तो मेरा भी बिल्कुल जाहिर से सवाल आपसे पहला यही होगा कि ये लंगर का बहुत, देखो कैमरे में चीज़ बोलने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि हर तरह के सवाल होते हैं। मेरे 3 फ्लैट थे, 1 फ्लैट मैंने सेल आउट किया है और उस फ्लैट से ये लंगर चल रहा है। मतलब आपने ये लंगर चलाने के लिए अपना फ्लैट सेल आउट किया? भेज दिया मैंने, 1 फ्लैट मैंने अपना भेज दिया है, वो लंगर चलता जा रहा है, कोई बात नहीं और बन जाएगा। और ये मतलब जो मैं क्योंकि मेरे सेरन हो गई ये बात इसमें नहीं, मैं आप चलो कोई बात नहीं। ये चीज़ें मतलब जो बात आपने कही है ये बहुत अहम है, और जिस तरीके से लगातार शाहीन बाग का ये प्रदर्शन आ रही थी, मेरे को मेरी वाइफ पहले तो बहुत रोक रही थी कि काम मत करो आप, लेकिन अब वो कह रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे बेटा भी मेरे साथ लगा हुआ है, मेरा बाबा, हमने बहुत अच्छा काम किया है जिंदगी में, पहली बार आपने एक अच्छा काम किया। और देश बिंद्रा जी को उनके जो सिख समुदाय के लोग हैं, आपके समुदाय के लोग, वो किस तरह के मैसेज दे रहे हैं आपके काम को? सिख समुदाय हमारे साथ, सारा सिख समुदाय है, 17 बसें हमारी पंजाब से भर के आई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ भी देखेंगे यहाँ मुस्लिम कम है, सिख ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये समुदाय की बात नहीं है। देखिए एक एक जो है 1.25 लाख के बराबर होता है। मैं दिल्ली के लोग जो है हमारे बहुत व्यस्त रहते हैं, हर आदमी जो है कामकाज वाला है, आते हैं शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं, 2-2 घंटा 4-4 घंटा अपनी सेवा करते हैं, कभी कोई दिन में आता है, कोई रात को आता है, जैसे जिसके पास समय होता है सब लोग आ रहे हैं। मैं अपनी सिख भाइयों को भी अपील करूँगा कि नारा जो हम लगाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर रुपया हमारे की है, तो मैं कहूँगा कि जब हमारे को आज जो है इन बहनों के साथ खड़े होने का मौका मिला है, तो हम इस मौके को ना चुके। हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, अपना 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 जो भी हम दे सकते हैं, जो कोई चावल देना चाहे, राशन देना चाहे, वो दे सकता है यहाँ पर। मैं इसलिए आप लोग के चैनल से अपील कर रहा हूँ क्योंकि हमारे भी जो है एक लिमिट होती है, एक फंड का जो राशन में 50,000 से 1 लाख आदमी का लंगर रोज़ बनाते हैं यहाँ पर, कोई ऐसे नहीं बनता है, तो हमारे पास राशन आता रहता है, हम उसको बनाते रहते हैं। आज हमारे पास देसी घी आया और सूजी दे के गए हैं कुछ लोग, देसी घी और सूजी आया, आज से हम देसी घी का लंगर यहाँ पर तैयार करेंगे, अपनी बहनों को देसी घी हम खिलाएंगे और इनको और तगड़ा करेंगे, हम देखेंगे इनको और ज़्यादा तरोताज़ा करेंगे। पहली गल तो 8 बसा आई है, 16-17 ये झूठ है, पहली गल तो यही झूठ है। दूजी गल तुसी कहने भी उन्होंने असीं सेवा पानी का लंगर पानी का प्रबंध असीं कर रहे हैं, साढ़े जो किसी किसान ने जाके उसे लंगर पानी मंगिया, जो साडे किसान जिहड़े आए है उत्थे जाके लाइना लाउंदे आ, लंगर पानी मंगदे आ, फिर तुसीं कह सकदे आ वी असीं उहनां दे लंगर पानी दा प्रबंध कीता। असीं तां इसे लंगर पानी दा जिन्ने आए आ प्रबंध साडा प्रबंध कीता होया, ते इत्थे सैंकड़ी होर खांदे आ, सानूं कोई मतलब नहीं किसे जात दा, किसे धर्म दा, किसे कोल दा, ऐ लगातार होर लंगर ते इस गल ते जे हुण साडे नौ ते तुसीं मतलब वीडियो पा के कोई कलैक्शन इकट्ठी करो, पैसे इकट्ठे करो, ये किन्नी कि तुहाडी वाजिब है? बसा का कहने बसा तो अभी लेके आए पंजाब चो,
अगले दिन झोका ला लिया झोका ला लिया असि किसी तो चाह नहीं मंगी असि किसी तो रोटी लंगर पानी नहीं मंगिया असि किसी तो सुखा राशन नहीं मंगिया जे हुण तुसीं इह कहिणे वी पंजाब चो 17 बसां आईआं लंगर असि सुकाउणे आ इह तुहाडी वाजब गल किवें आ भला ठीक है जी राशन कठा करो चाहे लंगर राशन भी भेज दी वाजब गल कि जे तुम कहो हां भाई इसे मोर्चा चल रहा है लंगर लाया हुआ तो कुछ हो सकती नहीं तुम बोलो इस गल गल तुम कहो यार पहली गल देखो अस 17 बसा नहीं लेके असि नहीं झूठ मारे 60 बसा लेके आए साडी गिनती 350 है जिद 14 साडे नाल साडियां मावां भैणां कह लो जे आ गिनती असि आए हां सारी असि इहनू कहीए देखण वालों तां तुर फिरदे लगदा वी सैकड़े हजारां फिरदे आ असि इहनू हजारां किवें कह देंगे मतलब राशन देखो मगर आटा पे वीडियो पाने मतलब सिलेंडर लेके आए थोड़ा मुफाद है जिसे कोई लंगर लाता थोड़ा कदर इतने असि लंगर लाया हुआ है दो क्विंटल खीर पता नहीं किने लिया के पता नहीं कछों लिया के रोह वाली बनी इतने गुड़ वाली रोह वाली रोह की बनी हुई गुड़ की नहीं रोह की बनी मुजफ्फरनगर तो बन के आई असि किसी को नहीं मंगी ऐसे आई वो बंदा नाल बरता लगे भी खाली हो बहुत सारी जंग जे साडे कोल कोई ऐसा आके कहना आ चीज दे दी अ चीज देने असि कहने साडे कोल सारा पैसा पर जे कोई मलो मल इतने कोई धर दस दसो इतने की तरह कहने भेज दें कि चीज सुनी नहीं के आदि लंगर देखो गलत गल कर दो आपके लंगर वास्ते मंगी जाने 17 बसा आलिया का प्रबंध कर रहे इन्हें आए अस लंगर लाया हुआ तुम कहने असि इधर भेज देने असि एक रात ला गए बाला साहब सानू थोड़े नाल सांझे लंगर दी आउण सारे सांझे लंगर दी गल कर दी असि सांझा लंगर नहीं लाया थोड़े नाल एक मिनट दे मैनू असि बाला साहब गए सानू प्रशासन भी कहता जी भी अभी कमेटी कहने भी प्रबंध करे भी कमेटी प्रबंध है जे हो जा जे तू तुरदा चलते लंगर सानू मिल गया छक लांगे नहीं विशेष प्रबंध असीं नहीं करवाना चाहते साडे कोल आपदा राशन है आपदा सारा करांगे असीं पुलिस नूं कहा सानू इत्थे आग्या दे दो असीं इत्थे आपदी चाह पाणी बना लैणे साडे नाल उहनां ने आग्या नहीं दित्ती उह थाणे लैंदे सी असीं कहा घट्टो घट्ट सानू गुरू घर तां लै जाओ क्योंकि सौखे रात कट लांगे चल पै जाएंगे उत्थे इन्ना करे तड़के सर फिर सा एक मिनट उत्थे बाला साहब दे विच भी साडा अड्ड लंगर चलिया चाह पानी दा उसे देख सकते हो निशानियां देख सकते हो पहली बार जद आई सी पहली बार आए सी पहली बार 15 तरीक नूं असीं इत्थे आए सारा समान लेके आए सी 15 तरीक नूं जिन्ना दुध लेके आए इक ढोल साडा मुड़ के वापस गया मशहूर ढाबा वजदा पंडतां दा असीं उन्हां नूं कहा भी आ सानूं मतलब असीं चाह बनाउणी है जो 720 रुपए कप मंगिया असीं आखिया साडे कोल आपदा सारा समान है तुसीं सानूं खंड पत्ती दे दिओ ਉਹ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਛੜਾ ਆਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਖੜੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 9:30 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਪੇੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭੋਗਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਬਸ ਇਹ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਡ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣਾ ਲੰਗਰ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਡਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਵੱਡ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਭਈ ਲਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ ਚਲਾਇਨਾ ਕਰ ਲਦਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ
please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.